खबर इंडिया 7। तो हनी ने खाई थी गुरमीत को बर्बाद करने की कसम। जानिए क्या हुआ था उस रात। गुरदास सिंह राम रहीम के ड्राइवर रहे हैं, खट्टा सिंह के बेटे और हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों के एक अहम चश्मदीद हैं। गुरदास की माने तो ये राम रहीम ही था जिसने पहली बार हनीप्रीत पर बुरी नजर डाली थी। उसने हनीप्रीत की शादी करवाई और शादी के फौरन बाद एक रात उसको अपनी गुफा में बुला लिया। गुरदास उस रात को अपने कजन के साथ गुफा के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। उस रोज उसे पहली बार शक हुआ था कि राम रहीम हनीप्रीत के साथ गलत करने जा रहा है। उसकी अपने कजन के साथ इसको लेकर शर्त भी लगी और अगली रोज सुबह जो कुछ हुआ उससे उसकी बात सही साबित हुई। अगली सुबह हनीप्रीत बाबा की गुफा से रोती हुई बाहर निकली थी। उन दिनों खुद हनीप्रीत के दादा डेरे के खजांची हुआ करते थे। हनीप्रीत सीधे दादा के पास गई। हनीप्रीत की हालत देखकर तब उसके दादा ने डेरे में काफ़ी हंगामा किया था और राम रहीम के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, लेकिन उन्हें तब हथियारों के दम पर चुप करा दिया गया। इस वाक्य के फौरन बाद हनीप्रीत डेरा छोड़कर अपने घर फतेहाबाद के लिए निकल गई, लेकिन तब बाबा के कुछ गुर्गों ने हनीप्रीत का पीछा किया और हथियारों के दम पर उसे रास्ते में ही एक ढाबे से उठाकर डेरे पर वापस ले गए। कहते हैं कि यही वो दिन था जब हनीप्रीत ने कसम खाई थी कि वो बाबा को बर्बाद करके दम लेगी। गुरदास को अब लगता है कि राम रहीम की इस तबाही के पीछे शायद हनीप्रीत की वो कसम ही है, क्योंकि ये हनीप्रीत ही है जिसने राम रहीम को फिल्मों का चस्का लगाया। संत का चोला उतारकर राम रहीम हनीप्रीत के कहने पर ही डिजाइनर बाबा बन गया और हर वो काम करने लगा जो संत की गरिमा के उलट था। वैसे हनीप्रीत बेशक राम रहीम की तबाही की वजह बनी हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद ही है। संत की गद्दी पर बैठने के बावजूद राम रहीम के कदम पहले दिन से ही बहके हुए थे। राम रहीम ब्लू फिल्मों का शौकीन था, उसके लिए डेरे से अलग से कैसेट मंगवाई जाती थी। और तो और डेरे में एक साध्वी जब उससे खुल गई तो उसने उसी साध्वी के जरिए डेरे की लड़कियों का शोषण करने की शुरुआत की और माफी दिलाने के नाम पर स्कूल खोलकर लड़कियों के साथ रेप करने लगा। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो शेयर जरूर करें। देश दुनिया की खबरों के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब करें।